नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। स्वागत है आपका न्यूज 18 के खास कार्यक्रम सुनिए मंत्री जी में। दरअसल न्यूज 18 ने ये इस अवधारणा के तहत इस कार्यक्रम की शुरुआत की, क्योंकि कहा अक्सर जाता है कि सरकारें लोक कल्याणकारी होती हैं, सरकारें जवाबदेह होती हैं। आपकी मुश्किलें हैं, आपके साथ बहुत सारे सवाल होते हैं, तो हम एक जरिया बने उसका कि आपकी बात सीधे उस मंत्री तक पहुंचाएं जिससे जुड़ा हुआ आपका सवाल है। लगातार हम सरकार के विभिन्न विभागों के मंत्री को इस मंच पर लाते हैं, उनसे आपकी बातचीत सीधी कराते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो आपकी जितनी भी मुश्किलें, जितनी भी समस्या, जो भी सवाल है, उसका तसल्ली बख्श जवाब आपको मिल सके। आज हमारे साथ जो खास मेहमान हैं, उनके कारण या उनके डिपार्टमेंट के कारण दुनिया में मध्य प्रदेश की एक अलग पहचान है। हमारे साथ हैं पर्यटन मंत्री सुरेंद्र सिंह बघेल साहब। स्वागत है सुरेंद्र जी आपका बहुत बहुत। सुरेंद्र जी, पहला सवाल मेरा ही है आपसे, फिर उसके बाद दर्शकों शुरुआत करेंगे। तो जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये आइडेंटिटी टूरिज्म एक बहुत बड़ी आइडेंटिटी एमपी की कही जाती है। बहुत सारा फिर भी करने को बाकी है, आपको भी वक्त हो गया मंत्री बने हुए, क्या संभावनाएं आपको लगती है? देखिए, मध्य प्रदेश में टूरिज्म सेक्टर में बहुत अपार संभावना है, और जिस तरह से मध्य प्रदेश के टूरिज्म को इतने वर्षों में एक्सप्लोर करना चाहिए था, उतना अच्छा हुआ नहीं। एक वर्षों में हमने पूरा फोकस ये किया कि मध्य प्रदेश में जो टूरिज़्म की अपार संभावना है उसको हम लोग एक्सप्लोर करें। पहले तो हम लोग देखें कि क्या क्या संभावना है, और उस तरह से हमने काफ़ी पॉलिसीज़ भी में भी चेंजेस किए, नई पॉलिसीज़ भी हम लोग लेके आए हैं। अच्छा, एक ये एमपी अजब है, एड तो बहुत कमाल का होता है एमपी टूरिज्म का, लेकिन उन सब जगहों तक पहुंच पा रहे हो आप जो बहुत सारे, जैसे आपने कहा, बहुत नए एरियाज एक्सप्लोर कर पाए आप अभी तक? देखिए, हमने इसके लिए एक अलग टीम बनाई हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट की। उसका मेन फोकस्ड यही है कि वो जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जो एक्सप्लोर नहीं हुई है, और हमने इस साल नए वर्ष में हमारा प्रयास ये हो रहा है कि हम जितने कलेक्टर्स हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट से, 5-5 डेस्टिनेशन हम लोग उनसे भी मांग रहे हैं कि कौन सी ऐसी डेस्टिनेशन है जिसको हम एज अ टूरिस्ट स्पॉट डेवलप कर सकते हैं। तो वो भी प्रपोजल्स आने वाले वर्षों में हमारे पास आएंगे, और कुछ प्रपोजल्स, काफ़ी प्रपोजल्स तो हम भी हमारे डिपार्टमेंट में एक्सप्लोर किए हैं, और मैं समझता हूँ कि उन धरोहर जो हमारे मध्य प्रदेश में है, विशेषकर जो हेरिटेज है, आज तक उसको एक्सप्लोर मध्य प्रदेश में नहीं किया जिस तरह से होना चाहिए था, तो उस पर भी हम लोग काफ़ी फोकस कर रहे हैं। अलीराजपुर से न्यूज 18 के एक दर्शक अपना सवाल करना चाहते हैं, पूछिए अपना सवाल। अलीराजपुर जिला आदिवासी बहुल जिला है, यहाँ की जो स्वास्थ्य सुविधा है वो लचर स्थिति में है, और यहाँ के जो लोग हैं वो गुजरात जाकर अपना इलाज कराने पर मजबूर है, इसके लिए आपने क्या सुविधाएँ की? अलीराजपुर के लिए विशेषकर हमने ये फोकस किया है इस बार कि जो नई अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं डॉक्टर्स की, और मेरी स्वास्थ्य मंत्री जी से भी बातचीत हुई है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी विशेषकर हमको भी ये निर्देश दिए हैं कि जो ट्राइबल एरियाज़ हैं उनको आप लोग विशेषकर ध्यान रखें, और वहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाएँ जिस तरह से मिलनी चाहिए वैसी लोगों तक पहुँचे। तो अलीराजपुर के लिए और विशेषकर झाबुआ के लिए अभी जो नए डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं, मैक्सिमम लोगों को ट्राइबल एरिया में अपॉइंटमेंट्स की जा रही हैं। जो सिविल हॉस्पिटल है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पे दवाई की उपलब्धता पूरी तरीके से रहे, और अपॉइंटमेंट्स जो हो प्राथमिकता अलीराजपुर में और झाबुआ मिले। अब हम एक और अपने दर्शक का रुख करेंगे बुरहानपुर से, न्यूज 18 के हमारे एक दर्शक हैं, वो सुरेंद्र जी से अपना एक सवाल करना चाहते हैं, पूछे। मैं युवराज गुप्ता बुरहानपुर से हूँ। मेरा माननीय मंत्री जी से ये सवाल है कि कुंडी भंडारा को विश्व धरोहर में शामिल किए जाने के पूर्व में प्रयास किए गए थे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। आगे मध्य प्रदेश शासन के और क्या प्रयास रहेंगे जिससे विश्व धरोहर में कुंडी भंडारा शामिल हो सके? सर, बुरहानपुर तो बड़ा ऐतिहासिक जगह है। बिल्कुल, बुरहानपुर की तो एक अपनी अलग पहचान है, रिलीजियसली अपन देख ले या हेरिटेज के हिसाब से देख ले, हिस्टोरिकल के हिसाब से देख ले। तो जो सज्जन ने भी बात की है, हम लोग बुरहानपुर के लिए जो हेरिटेज साइट्स हैं उसके लिए मांडो को भी हम लोग काफ़ी प्रयास किया कि हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ में हम लोग इसको करवाएं, और बुरहानपुर के लिए हमने अभी केंद्र सरकार से जो पहले प्रस्ताव गया था उस पर हमारे माननीय मंत्री जी से भी चर्चा हुई है, मांडो को भी हमने साथ में उनके रखा है कि ताकि विश्व धरोहर में कुंडलिया की जो उन्होंने बात की है उसको हम लोग जोड़ पाएँ। उस चीज़ के जुड़ने से कहीं ना कहीं लोगों को उस जगह को प्रसिद्धि मिलती है, रोजगार के अवसर भी मिलते हैं, और एक प्रदेश की एक अलग पहचान बनती है। तो बुरहानपुर ही नहीं, साथ में हमने मांडो ओरछा को भी हम लोग पूरा फोकस कर रहे हैं कि विश्व धरोहर में हम लोग
इसको जुड़वा पाए। एक और दर्शक है हमारे छतरपुर से, एक अपना सवाल कर रहे हैं, छतरपुर खजुराहो के नजदीक, खजुराहो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और खजुराहो दुनिया भर में किसी परिचय का मोहताज नहीं है और सुरेंद्र जी के डिपार्टमेंट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी खजुराहो है, तो पूछिए अपना सवाल। माननीय मंत्री जी को मेरा नमस्कार, मेरा नाम राघवेंद्र सिंह चंदेल है। मेरा आपसे एक सवाल था कि हमारे यहाँ पे खजुराहो विश्व पर्यटन स्थल खजुराहो में आए दिन टूरिस्टों की संख्या घटती जा रही है, साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि टूरिस्ट एक ही दिन में पूरा खजुराहो शहर घूम के चले जाते हैं। कुछ ऐसे कार्यक्रम क्यों ना ऐसे कार्यक्रम यहाँ पे किए जाएं जिससे कि पर्यटक यहाँ पे काफ़ी समय तक रुक सके। सर ये बड़ा है वैसे, वाकई खजुराहो तो आते दुनिया भर से लोग हैं लेकिन ज़्यादा कुछ है नहीं वहाँ मंदिर के अलावा। नहीं, बिल्कुल सही बात, हमारे जो सज्जन हैं खजुराहो के, उन्होंने बिल्कुल मुद्दे की बात रखी है। सबसे बड़ी जो दिक्कत खजुराहो में टूरिस्ट के आने में जो कमी हुई है वो है कनेक्टिविटी की। जिस तरह से कनेक्टिविटी खजुराहो में होनी चाहिए थी वैसी नहीं है। एक फ्लाइट है वो भी कनेक्टिंग है। अभी एविएशन मिनिस्ट्री से हमारी बातचीत हुई है, हमारे डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स भी मिले हैं और विशेषकर मैंने प्रहलाद पटेल जी से भी इस बारे में चर्चा की थी, जो हमारे मिनिस्टर हैं ऑल इंडिया के टूरिज़्म के, कि कनेक्टिविटी आप खजुराहो में बढ़ाइए। दूसरे रेलवे मिनिस्ट्री से भी हमारी बातचीत चल रही है कि जो रेलवे का जो मूवमेंट है ट्रेन्स का, उसमें भी कुछ बोगी खजुराहो के लिए आसपास के जो एरियाज हैं जो कनेक्ट करते हैं खजुराहो को, वहाँ पे भी बढ़ाया जाए। खजुराहो में आदमी के पास देखने के लिए जो मंदिर है उसके अलावा उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो हम इस बार फोकस इस तरह से कर रहे हैं कि हम कुछ साइट्स नहीं डेवलप करें। जैसे मान के जो एडवेंचर की संभावना है तो हम एडवेंचर का वहाँ के करें, अम्यूजमेंट पार्क हो सकता है तो वहाँ पे वो डेवलप करें, क्योंकि एक टूरिस्ट होता है जो मंदिर के लिए, कुछ होता है प्रॉपर्टीज़ को एंजॉय करने के लिए, कुछ होता है एक्टिविटीज़ को एंजॉय करने के लिए, तो हमें एक्टिविटीज़ वहाँ देनी होगी। तो हमारी जो लैंड बैंक्स हैं, टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लैंड बैंक्स भी हैं वहाँ पे, तो हम आने वाले समय में PPP मोड पे भी लोगों को, पब्लिक पार्टिसिपेंट्स को भी जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मध्य प्रदेश में, तो उन लोगों से भी हमारी बातचीत हो रही कि हम लोग उनको लैंड अवेलेबल करा दें ताकि वो कुछ नए पार्क्स लेके आए, नए अम्यूजमेंट पार्क्स लेके आए, एडवेंचर का कुछ नया करें। तो हम खुद भी प्रयासरत हैं और हमारा तो खजुराहो में कन्वेंशन सेंटर भी आ रहा है, वो भी जल्दी तैयार हो जाएगा। और अभी फेस्टिवल भी, हमने फिल्म फेस्टिवल भी वहाँ पे किया है, CM साहब खुद गए थे उसमें, तो हम लोग तो एक्सप्लोर कर रहे हैं खजुराहो को। तो आने वाले समय में जब खजुराहो में कनेक्टिविटी बढ़ेगी और रेलवे का ट्रांजिट है वो बढ़ेगा, अम्यूजमेंट पार्क आएंगे, तो आप लोग वहाँ पे रुकेंगे और जब वो टूरिस्ट वहाँ पे आएंगे रुकेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ लोगों को रोजगार के अवसर भी वहाँ पे मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सवाल खजुराहो से दर्शक ने किया वो उनका जवाब संतोषजनक दिया होगा सुरेंद्र जी ने। और एक और हमारे नए दर्शक हैं धार जिले से, धार से वो अपना सवाल करना चाहते हैं, रखिए अपनी बात। पर्यटन मंत्री जी से यही पूछना चाहेंगे कि जैसा कि मांडव जो हमारा विश्व प्रसिद्ध स्थान है वहाँ पर कुछ ही समय के लिए पर्यटक रहता है, सिर्फ बारिश के समय में 2 से 3 महीने के लिए, तो पर्यटन मंत्री जी का ऐसा क्या आगे का प्लानिंग है कि जब वो ताकि 12 महीने वहाँ पर पर्यटक चलता रहे। देखिए धार मेरा गृह क्षेत्र भी है और मध्य प्रदेश की जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उस पर सबसे प्रसिद्ध और जिसमें मैं अधिकतर गया भी हूँ वो मांडो है। आपने सही कहा कि मांडो में जब कोई टूरिस्ट आता है बारिश में उस समय लोग ज़्यादा आते हैं, उसके अलावा 12 महीने तक मांडो में करने के लिए कुछ नहीं है। इसकी शुरुआत हम लोग 28 तारीख से कर रहे हैं, मांडो उत्सव 28 तारीख से चालू हो रहा है और हमने मांडो उत्सव को इस तरह से प्लान किया है कि जब कोई टूरिस्ट अब इस बार मांडो आएगा तो मांडो में क्या क्या है और क्या क्या करने के लिए है उसको वहाँ पे एक्सप्लोर करेगा। तो पहला तो हमने उत्सव दिया है मांडो को कि जो टूरिस्ट अपने वेकेशन प्लान करता है तो उसको पता चलेगा कि मांडो में इस महीने में ये उत्सव है। दूसरा, हम लोग कैंपिंग साइट्स के लिए प्लान किया है मांडो में, उन साइट्स को हम रेगुलर चलाने वाले हैं। इस बार हमने बलून के लिए, एयर बलून के लिए भी हमने ट्रायल रन किया था कुछ महीनों पहले और मांडो उत्सव में भी हम लोग कर रहे हैं उसको भी हम रेगुलराइज करने का हमने पॉलिसी में चेंजेस किया है
ताकि बलून की भी एक एक्टिविटी मिले। एडवेंचर के लिए भी जो वाटर बॉडीज़ हैं मांडव में, वहाँ पे उस तरह के हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि साल भर तक उसमें जितने भी तालाब हैं पानी रहे, बोट की उसमें एक्टिविटीज़ चल पाएँ। दूसरा जो हमारे पास में जो हेरिटेज है वहाँ पे, जो महल है उनको जोड़ते हुए भी पेंटिंग के एक्टिविटीज़ चलते रहे, एग्जीबिशंस चलते रहे, कल्चरल एक्टिविटीज़ चलते रहे। तो इस तरह से हम लोग पूरा प्लान कर रहे हैं और एक रिलीजियस सर्किट बना रहे हैं जिसमें हम लोग मांडो को भी जोड़ रहे हैं। जैसे ओम सर्किट कर रहे हैं हम लोग, जिसमें उज्जैन, महाकालेश्वर, महेश्वर, मांडो की, तो आदमी अपना प्लानिंग करे तो उसको पूरा एक एक्टिविटी मिले कि मांडो धार्मिक और बाकी आध्यात्मिक और खूबसूरती वाला सारा टूरिज्म एक साथ हो जाए तो आदमी जब अपनी प्लानिंग करे तो उसको सब चीज मिले करने को। मांडो तो काफी फोकस्ड हो गया और मांडो को तो हम विश्व धरोहर में जोड़ने के लिए हम लोग तो जा चुके हैं, काफी हद तक हम लोग आगे पहुंच भी गए हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जा चुके हैं। इंटरनेशनल लेवल पे मांडो का विश्व धरोहर की ख्याति मिलती है तो आपो आप वो लोग टूरिस्ट बढ़ेंगे और विकास भी होगा। इस बार जो सवाल आ रहे हैं वो सभी अपने इलाके की समृद्धि या इलाके की आइडेंटिटी को लेकर आ रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। हम ग्वालियर चलेंगे, ग्वालियर से न्यूज 18 के एक दर्शक हैं जो सुरेन जी से अपना एक सवाल करना चाहते। मेरा नाम रिग्या सक्सेना है और पर्यटन मंत्री जी से मेरा ये एक सवाल है कि ग्वालियर किला आज की तारीख में एक धरोहर से ज्यादा सुसाइडल पॉइंट बनता जा रहा है, तो इसकी रक्षा के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, बिल्कुल टूरिस्ट की सेफ्टी और इस तरह की घटनाएं हमारे मध्य प्रदेश में नहीं हो, इस तरह के हम लोग पूरे तरीके से प्रयासरत हैं। इस बार हम एक टूरिज्म की जो हमारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, टूरिस्ट की जो साइट्स हैं, वहाँ पे हमारा प्रयास है कि हम लोग सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें गृह मंत्री जी से भी हमारी चर्चा हुई है, कि हम लोग वहाँ पे मॉनिटरिंग बिल्कुल सख्त करें। दूसरा, कैंप्स हम वहाँ पे पुलिस के भी वहाँ पे लगाएं ताकि वो लोग भी उसको मॉनिटर करें। तो सेफ्टी तो हमारी प्राथमिकता है और जल्द ही इस तरह का एक हम लोग होम मिनिस्टर से बातचीत करके इस तरह का पूरा प्लानिंग किया है कि सेफ्टी हमारे लिए प्राथमिकता है। वहाँ पे हम लोग जिस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, फिल्म महोत्सव हमने आईफा अवार्ड्स का प्लान किया है मध्य प्रदेश में, हमारे सीएम साहब ने इंडियन टेलीविज़न अकेडमी का इंदौर में हुआ ही है, आपने देखा होगा। और हमने आईफा के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्लानिंग पूरा किया है और उसको स्वयं वो देख रहे हैं उस चीज़ को, उसकी प्लानिंग में भी हम लोग लगे। तो इतने सारे जब एक्ट्रेस और एक्टर इंडस्ट्री के लोग, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर मध्य प्रदेश में आएंगे तो कहीं ना कहीं हम उस प्लानिंग पे भी जा रहे हैं कि ब्रांड एम्बेसडर किस तरह से हम किसको हम लोग मध्य प्रदेश के लिए कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग प्रोसेस बना रहे हैं। जगह से कॉल कर रहे हैं, इस क्रम में हम चलेंगे अब होशंगाबाद। भोपाल से सटा हुआ एक जिला है और वो भी धार्मिक महत्व का जिला है। होशंगाबाद से न्यूज 18 के एक दर्शक अपना सवाल करना चाहते हैं, पूछिए। मैं काफी सारी पर्यटन स्थलों पर जाती रहती हूँ, जैसा कि मैंने देखा है, मैं काफी सारी जहाँ पे भी पर्यटन स्थल होते हैं वहाँ पे अच्छी खासी महंगी टिकट्स होती हैं, बट उनके लिए काफी उस हिसाब से कोई व्यवस्थाएं नहीं होती सिक्योरिटी के लिए, जैसे कि महिलाएं अकेले या टूरिस्ट महिलाएं अकेले जा सकें। उनको जरूरी होता है कि वो बड़े ग्रुप या किसी फैमिली मेंबर्स के साथ ही जाएं। तो मेरा यही सवाल है कि मैं इस बार क्या व्यवस्थाएं ऐसी सिक्योरिटी की मिलेंगी ताकि हम इतनी भारी भरकम जो टिकट पे करते हैं उसके लिए उस हिसाब से हमें क्या सिक्योरिटी पर्पज से व्यवस्थाएं मिलेंगी क्या? सर, ये मेजर कंसर्न है और एक चलन चला है आजकल खासकर यंगस्टर में कि वो कई बार ग्रुप में जाते हैं, कई बार अकेले एक्सप्लोर करना चाहते हैं और उसमें गलत भी नहीं है, सिक्योर होना चाहिए, ये सवाल है उनका। देखिए, होशंगाबाद के जो टूरिस्ट हैं उन्होंने जो अपनी बात रखी है, उनका जो कंसर्न है सेफ्टी को लेके, तो मैं उनको एज अ मिनिस्टर मैं उनको इंश्योर करता हूँ कि वो किसी भी टूरिस्ट प्लेस पे जाए, किसी भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाए, सेफ्टी उनकी हमारी प्राथमिकता है। जो उनको सुविधा मुहैया होनी चाहिए टूरिस्ट प्लेस पे, वो हमारी प्राथमिकता है। मैं उनको इंश्योर करता हूँ वो अपने आप को सेफ फील करें। होशंगाबाद नहीं, वो मध्य प्रदेश के किसी स्थान पे भी जाएंगे, उनको ऐसा एटमॉस्फेयर मिलेगा कि उनको फील होगा कि मध्य प्रदेश में महिलाएं सेफ हैं और किसी प्रकार से उनको कोई चिंता नहीं। अकेले ग्रुप में नहीं जाएं, ग्रुप में जाएं, अकेले जाएं, फैमिली के साथ जाएं, बच्चों के साथ जाएं,
हर जगह टूरिस्ट प्लेसेस पे और मध्य प्रदेश में सभी जगह पे वो लोग सेफ है। सर आप बड़े यंग और एनर्जेटिक हैं, तो ऐसा कुछ आपने प्रावधान किया कि मान लीजिए जैसे लोग सीधे रूबरू आपसे मिलना संभव नहीं, कहीं किसी डेस्टिनेशन से उन्हें कोई दिक्कत हो ट्वीट कर दें आपको या आप रिस्पॉन्ड करें, ऐसी कोई व्यवस्था आपने की है? देखिए इसकी शुरुआत मैंने पंचमढ़ी से की, जब मैं मिनिस्टर बना तो पहला दौरा मैंने पंचमढ़ी का किया और रैंडमली जो मैनेजर है उनसे मैंने शीट बुलवाई कि इस महीने में कौन कौन टूरिस्ट आपके यहाँ पे आए हैं, तो 5-6 लोगों का वो महीने का पूरा डिटेल लेके आया। उसमें से फिर एक मैंने टूरिस्ट को मैंने फ़ोन लगाया कि मैं मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ और मध्य प्रदेश का टूरिज़्म मिनिस्टर हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आपका एक्सपीरियंस हमारी होटल में कैसा रहा, कैसी सुविधाएँ आपको मिली, कि दिक्कत या परेशानी तो नहीं आई। सो सबसे पहले तो उन्होंने प्रसन्नता ये व्यक्त की कि वो राजस्थान के रहने वाले हैं और आज तक हमसे किसी मिनिस्टर ने कभी बात नहीं करी, और उनका फीडबैक मध्य प्रदेश में और पंचमढ़ी के उस प्रॉपर्टी के लिए इतना अच्छा था कि इतना अच्छे से हमारी देखभाल हुई, इतनी अच्छे से हमको सुविधाएं मिली, हमारी पूरा सबने ध्यान रखा गया। और उन्होंने ये आखिरी में कहा कि मैं आपको मेरा एक और परिचय देना चाहता हूँ कि मैं पत्रकार हूँ हाँ राजस्थान का, और मेरे से आज तक किसी ने बात नहीं करी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैं कोशिश करता हूँ जब भी किसी भी टूरिस्ट प्लेस से क्रॉस कर रहा हूँ या कोई प्रॉपर्टी है टूरिज़्म की तो मैं स्वयं जाके उसको चेक करता हूँ, और इस बार हमने ये सुनिश्चित किया है कि फीडबैक चार्ट और कंप्लेंट बुक हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे प्रॉपर्टीज़ पे रहेगी ताकि अपना टूरिस्ट अपना फीडबैक दे सके और उस फीडबैक को हम वीकली रिव्यू करते हैं। जो हमारे तमाम दर्शक हैं न्यूज 18 के, उनके लिए एक नई सूचना भी है कि आपके स्वागत की तैयारियां तो हैं ही, आप जब यहां से होके जाएंगे तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी पूछा जाएगा। तो अगली बार अगर कोई बोले कि भाई मैं टूरिज्म मिनिस्टर बोल रहा हूं एमपी का तो चौंकिएगा नहीं। हम इंदौर चलते हैं, इंदौर से न्यूज 18 के हमारे एक दर्शक हैं, वो अपना सवाल करना चाहते हैं, पूछिए। मेरा नाम भारती व्यास है, मैं इंदौर शहर से हूँ। मंत्री जी मेरा आपसे ये सवाल है कि आपने MBA मार्केटिंग में किया है, आपको क्या लगता है कि आप कैसे पर्यटन की मार्केटिंग को बेहतर बनाएंगे, क्या अन्य राज्यों की तरह आप इस राज्य में भी ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे? साल हमारा निजी साहब जी सवाल हमारा फोकस्ड है कि इस बार हम टूरिज्म को स्टेट में कैसे प्रमोट कर पाए और नॉट ओनली मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल लेवल पे भी हम टूरिज्म को कैसे ले पाए हमारे स्टेट को। तो इसके लिए जो मार्केटिंग पॉलिसी है, एडवर्टाइजमेंट है और पब्लिसिटी पे आने वाले वर्ष में इस पे हमारा फोकस्ड है। हम लोग जिस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, फिल्म महोत्सव हमने आईफा अवार्ड्स का प्लान किया है मध्य प्रदेश में हमारे सीएम साहब ने, इंडियन टेलीविजन अकेडमी का इंदौर में हुआ ही है आपने देखा होगा, और हमने आईफा का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्लानिंग पूरा किया है और उसको स्वयं वो देख रहे हैं उस चीज़ को, उसकी प्लानिंग में भी हम लोग लगे हैं। तो इतने सारे जब एक्ट्रेस और एक्टर इंडस्ट्री के लोग, प्रोड्यूसर डायरेक्टर मध्य प्रदेश में आएंगे तो कहीं ना कहीं हम उस प्लानिंग पे भी जा रहे हैं कि ब्रांड एम्बेसडर किस तरह से हम किसको हम लोग मध्य प्रदेश के लिए कर सकते हैं, तो उस पे भी हम लोग प्रोसेस हमारा जारी है जी। हम चलते हैं अभी खंडवा, खंडवा में न्यूज 18 के एक दर्शक हैं, वो एक सवाल करना चाहते हैं, पूछिए अपना सवाल। मंत्री जी से मेरा एक सवाल है कि ओंकारेश्वर एक तीर्थ नगरी है, पवित्र नगरी है, वहाँ पर आप देखें कि पूरा अतिक्रमण की जद में है, पर्यटन और धार्मिक स्थल होने के बावजूद भी वहाँ पर पूरे तरीके से अतिक्रमण फैला हुआ है जिसको लेकर के दर्शनार्थी पूरे देश से आते हैं और उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं चाहूँगा कि आपका इस तीर्थ नगरी को अतिक्रमण मुक्त करने का क्या विजन है ये बताएं। सर इन्वेस्टमेंट बड़ा ही एक समस्या है और उससे खूबसूरती भी चली जाती है और लोगों को असुविधा भी बहुत होती है। देखिए ओंकारेश्वर हमारी विश्व धरोहर है, ज्योतिर्लिंग है और ओंकारेश्वर हमारी प्राथमिकता में है। हमारे डिपार्टमेंट के बहुत सारे हमने सैंक्शंस वहाँ के लिए दिए हैं ओंकारेश्वर के लिए, जिसका काम भी चल रहा है। ओंकारेश्वर की खूबसूरती भी बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार का अवसर भी बनेगा। कहीं ना कहीं जो हमारे साथी हैं ओंकारेश्वर से, उन्होंने दिखाई है इनक्रोचमेंट की दिक्कत है, तो मैं संबंधित प्रभारी मंत्री से चर्चा करेंगे और मैं स्वयं भी वहाँ पर जाके देखता हूँ किस तरह से परेशानी आ रही है, दिक्कत आ रही है। हमारी प्राथमिकता लोगों को रोज़गार के अवसर भी मुहैया करानी है। तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन माफ़ कीजिए वक्त हमारे पास बहुत ज़्यादा है नहीं, सिर्फ एक आखिरी सवाल की गुंजाइश अब बच जाती है। लेकिन इस आखिरी सवाल को लेने से पहले मैं बिना सुरेन जी के इजाज़त के ये हक ले लेता हूँ उनसे कि आप
के पास आने वाले दौर में भी जो भी पर्यटन से जुड़े हुए सवाल होंगे आप जरूर हम तक पहुंचाएगा, और हम कोशिश करेंगे कि थोड़े अंतराल के बाद एक बार फिर इनको आपसे मुखातिब कराया जाए और आपके जो सवाल हैं उनका हम कोशिश करेंगे कि ये इनसे जवाब दिलाया जाए। तो एक आखिरी सवाल हम लेंगे, टीकमगढ़ के ओरछा से न्यूज 18 के एक दर्शक हैं, वो अपना सवाल करना चाहते हैं, पूछे। ओरछा में भगवान राम राजा विराजमान है जो करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। वेतवा और जामनी नदियों के जो दो पुल हैं वो सैकड़ों साल पहले यहाँ बनाए गए थे जो आज जर्जर हालत में हो गए हैं। यहाँ की जनता बहुत लंबे समय से इन पुलों के दोबारा बनने की मांग करती रही है, आखिर कब बनेंगे पुल? ओरछा की आने वाले समय में एक अलग पहचान होने वाली है और ओरछा हमारे टूरिज्म के पायलट प्रोजेक्ट में है। ओरछा को हम एक मैरिज डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने जा रहे हैं और उसकी शुरुआत फरवरी में जो ओरछा महोत्सव है उससे हो रही है। जो हमारे वहाँ पे हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको हाईलाइट कर रहे हैं, लाइट एंड साउंड शो का हम लोग वहाँ पे चालू करने जा रहे हैं। ओरछा को अगर हम प्रमोट कर रहे हैं, उसको हम विश्व ख्याति दिलाना चाहते हैं, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर को भी वहाँ पे डेवलप करना होगा। तो जो उनकी चिंता है कि ये पुल की आवश्यकता है, रोड की आवश्यकता है और भी अन्य सुविधाओं की आवश्यकता है, तो हमारी वो प्राथमिकता है, वो पायलट प्रोजेक्ट में हम लोग उसको ले रहे हैं। तो ऐसा और एक डिपार्टमेंट जी बिल्कुल बिल्कुल इरिगेशन जो भी हमारा PWD मिनिस्टर से सज्जन वर्मा जी से इस बारे में हमारी बात हुई है। वहाँ की जो मिनिस्टर्स हैं वो स्वयं उस बुंदेलखंड एरिया को बिलोंग करते हैं, सेंट्रल मिनिस्टर भी वहीं के हैं, तो हम सबका तो फोकस्ड है कि ओरछा को हम कितना और अच्छा विकसित कर सकें, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा विकास वहाँ पे कर सकते हैं और रोज़गार के अवसर कैसे हम लोग वहाँ पे जनरेट कर सकें, तो ओरछा हमारी प्राथमिकता में है। सुरन जी आप बहुत व्यस्त रहते हैं, इसके बावजूद आपने न्यूज़ 18 से बातचीत के लिए एक वक्त निकाला, लोगों से सीधे उनके सवालों का जवाब देने के लिए वक्त निकाला, बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन मैं एक बात ज़रूर पूछूंगा कि ये जो तमाम दर्शकों ने पूछा ये आपका फीडबैक, आप खुद भी फीडबैक लेने के शौकीन हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो यहाँ से जाने के बाद में आपसे उन सबका नंबर लूँगा, अपना ईमेल आईडी भी उनको दूंगा, अपना टेलीफोन नंबर भी उनको दूंगा और उन्हीं से जानना चाहूँगा। जो न्यूज़ 18 पे मैं आया, आपसे चर्चा हुई, तो उसमें कुछ दिनों के बाद में क्रियान्वयन की स्थिति क्या है, कितने वो संतुष्ट है हमारे मध्य प्रदेश की सरकार से और हमारे मुख्यमंत्री जी से और हमारा डिपार्टमेंट जिस तरह से काम, ये बड़ी बात है, बहुत धन्यवाद आपका। और तो इस हफ्ते चूंकि वक्त हमको इससे ज्यादा बातचीत की इजाजत नहीं देता, बहुत सारे दर्शक और भी सवाल करना चाहते हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि हम फिर कोशिश करेंगे कि एक बार फिर सुरेंद्र जी को आपके सामने लाएं, आपके सवालों का हम जवाब दिलाने की कोशिश करें। और इसके अलावा मैं एक बात जो हमेशा कहता हूं वो फिर कहूंगा कि आप अपने सवाल, अपनी जिज्ञासाएं, अपनी मुश्किलें हम तक पहुंचाइए और बताइए कि आप किस मंत्री जी को यहाँ पर देखना चाहते हैं और हम कोशिश करेंगे कि उन्हें यहाँ पर लाएं और आपके सवालों का जवाब दिलाएं। इस हफ्ते इस कार्यक्रम में इतना ही, अगले हफ्ते किसी खास मेहमान के साथ आपके साथ होंगे मौजूद, तब तक आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।